इस कहानी के अगले भाग को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। घंटे भर में वर पक्ष वालों के हाथ 500 रुपये अर्पित करने होंगे। एक स्तंभ से सटकर विरक्त भाव से बैठे रवि के पास जाकर धर्मया ने पूछा, क्या राम आ गया? नहीं तो, रवि ने चारों ओर दृष्टि दौड़ाकर उत्तर दिया। क्या बात है, 500 रुपये कौन देने वाले हैं? रवि का ये सवाल सुनकर धर्मया का चेहरा पीला पड़ गया। उसने सोचा था कि यह भेद रवि के सामने प्रकट हो गया तो काम बिगड़ जाएगा, इसीलिए उसने गुप्त रखा था। शांतम्मा ने उसी समय धर्मया के निकट आकर पूछा, क्या अभी तक नहीं आया? नहीं, धर्मया ने उत्तर दिया। तो क्या किया जाए? शांतम्मा ने पूछा। धर्मया मौन रहा। फिर एक बार रवि को भेजूं? शांतम्मा ने पूछा। रवि को राम के पास भेजना धर्मया को पसंद नहीं है, परंतु उस हालत में वह स्वयं विवाह मंडप को छोड़ बाहर नहीं जा सकता था। इस बीच किसी ने धर्मया को पुकारा। धर्मया शांतम्मा से यह कहकर कि रवि को जल्द भेज दो, वहां से चला गया। शांतम्मा ने रवि को समझाते हुए कहा, तुम राम से रुपये ले आओ, वह न आए तो कोई बात नहीं, पर रुपये जरूर ले आना। रवि साइकिल लेकर चल पड़ा, उसमें बत्ती तक नहीं थी। राम आधे घंटे तक अपनी माँ की प्रतीक्षा करता रहा। वह पागल की तरह पैर पटकते हुए कमरे में टहलने लगा। राम, जमींदार की आवाज सुनकर राम ने घूमकर देखा। 500 रुपये तुम्हें किस लिए चाहिए? माँ ने नहीं बताया? बताया है, लेकिन मैंने धर्मया से पहले ही कह दिया है, मैंने बाकी 500 रुपये देने का वचन दिया है। जमींदार हंस पड़ा। राम का मन विकल था। पिता के प्रति उसके मन में जो आदर भाव था वह टूटता जा रहा था। ये हंसी का समय नहीं है, मेरी इज्जत बचानी है तो दे दीजिए, मेरी बेइज्जती करने के लिए तुम ये काम करना चाहते हो? सौ कैसे, मैंने जब मना किया तब तुम्हारे देने का क्या मतलब है? जो मेहनत करके कमाता है उसे रुपये की कीमत मालूम होती है, तुम कमाते नहीं हो, ऐसी हालत में वादा करने का अधिकार तुमको किसने दिया? सुनो, 500 तो दूर, 5 पैसे भी तुम मुझसे नहीं पा सकते। तुम जैसे लोगों के हाथों में मेरी जमीन जायदाद रहे तो कितने समय तक वह टिक सकती है? ये शब्द कहते कहते जमींदार कमरे से बाहर चले गए। पिताजी, राम के कंठ में व्यथा थी। जमींदार ने मुड़कर राम की ओर देखा। आपको 500 रुपये देने होंगे। मैं नहीं दूंगा, मैं लूंगा, राम दृढ़ निश्चय के साथ कमरे से बाहर आने लगा। जमींदार ने उसका हाथ पकड़कर जोर से धकेल दिया। राम का सिर कुर्सी से जा टकराया, वह नीचे गिर पड़ा। जमींदार दरवाजा बंद करके चले गए। रवि पसीने से लथपथ जमींदार के फाटक तक पहुंचा और पहरेदार के रोकते रहने पर भी परवाह किए बिना भीतर घुस गया। जमींदार उसी समय सीढ़ियां चढ़ रहे थे। रवि की आवाज सुनकर जमींदार घूम पड़े। राम, रवि ने पुकारा। राम अपने कमरे का दरवाजा खटखटाते हुए चिल्ला पड़ा, रवि। जमींदार का ख्याल किए बिना रवि ने दरवाजा खोल दिया। 500 रुपये कहाँ है? हाथ बढ़ाकर रवि ने क्रोधपूर्ण स्वर में पूछा। राम ने सिर झुका लिया। लक्ष्मी की शादी रुकने जा रही है, रवि गरज उठा। पिताजी ने रुपये नहीं दिए, राम ने संक्षेप में उत्तर दिया। रुपये नहीं थे तो वचन क्यों दिया? देना चाहता था तो फिर दो, नहीं है। रवि का क्रोध खौल उठा। उसने खींचकर राम के गाल पर एक चांटा मारा। राम थप्पड़ खाकर गिर पड़ा। विवाह मंडप में वर वधु के गले में मंगलसूत्र बांधने खड़ा हो गया, पर दहेज न मिलने के कारण अपने पिता का आदेश पाकर उसने अपमान के भार से दबे धर्मया के मुंह पर मंगलसूत्र फेंक दिया और विवाह वेदिका से उठकर चल दिया। उसके साथ वर पक्ष वाले सब चले गए। नववधु लक्ष्मी को सौभाग्यवती नारिया कमरे के भीतर ले गई। धर्मया अपने हाथों में मुंह ढांक कर आंसू बहाने लगा। शांतम्मा शोकपूर्ति बनकर धर्मया के निकट आ खड़ी हुई। धर्मया ने अधीर होकर पूछा, लक्ष्मी क्या कर रही है? शांतम्मा निरुत्तर खड़ी रह गई। मैंने अपनी बेटी का गला घोंट दिया, ये शब्द कहते हुए धर्मया फूट पड़ा। हम क्या कर सकते हैं भैया, हमें ये दुर्दिन भी देखने थे, शांतम्मा रुद्रकंठ से बोली। करेंगे क्या, इस अपमान के भार से जीने की अपेक्षा हम दोनों जहर खाकर जान दे देंगे। शांतम्मा कांप उठी, वह इस विपत्ति से बचने का कोई उपाय सोच रही थी। थोड़ी देर रुककर बोली, भैया क्या है? बहन, इसी शुभ मुहूर्त में लक्ष्मी का विवाह रवि से कर दे तो। शांतम्मा, दुखातिरेक में हम आनंद का अनुभव करते हुए शांतम्मा के हाथ पकड़कर धर्मया बोला, मेरी लक्ष्मी के प्राण बचा कर मुझे इस अपमान से उबारो बहन। शांतम्मा लक्ष्मी के पास गई, वह चारपाई पर बेहोश पड़ी थी।
उसके मुंह पर शांतम्मा ने ठंडा पानी छिड़का। थोड़ी देर में लक्ष्मी ने आंखें खोल दीं। लक्ष्मी, तुम्हें अपने पिता को बचाने के लिए ही सही रवि के साथ शादी करनी होगी, शांतम्मा ने उत्कंठा से कहा। जैसी आपकी इच्छा, ये शब्द कहते हुए लक्ष्मी ने फिर आंखें मूंद ली। शांतम्मा से खबर पाकर धर्म या विवाह मंडप में लौट आया। कुछ लोग जा चुके थे, लेकिन गाजे बाजे वाले तथा कुछ गिने चुने लोग विषादपूर्ण भंगिमा से अब भी खड़े थे। आप लोग कृपा करके जाइए मत, मेरी लक्ष्मी का विवाह अभी होगा, धर्मया के मुंह से ये शब्द सुनकर सब विस्मय के साथ एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। मल्लया साइकिल लेकर धर्मया के पास आया और बोला, बड़े सरकार ने ये साइकिल आपको देने को कहा है। रवि कहाँ है, धर्मया ने गरजते स्वर में पूछा। पुलिस के सिपाही उसे थाने ले गए हैं, नौकर मल्लैया ने जवाब दिया। धर्मया बेहोश होकर चबूतरे के पास गिर पड़ा। इस कहानी के अगले भाग को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी।